हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन शर्मा, एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे इंडियन आर्मी भर्ती 2021। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए भारतीय सेना में ऑफिसर्स ग्रेड पर चयन होने का बहुत ही सुनहरा मौका है। और जो जो भी देश से प्यार करते हैं और भारतीय सेना इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि इंडियन आर्मी में पोस्ट निकाला हुआ है। अभी आइए पोस्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है 57th शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन के लिए, 28th शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल वुमेन के लिए है, इंक्लूडिंग विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल टेक्निकल नॉन टेक्निकल नॉन UPSC के लिए है। इस प्रकार ये तीनों पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इंडियन आर्मी का कोर्स नेम जो है OCT 2021 है। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको जहां पर ट्रेनिंग दिया जाएगा उस जगह का नाम रहेगा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई तमिलनाडु में, जहां का कोर्स अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास बहुत ही कम समय है, इसी समय में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यही आने वाले 2-4 महीनों में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 25/5/2021 से, जिसका लास्ट डेट है 23/6/2021 अप टू 3 PM। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC SC ST फीमेल किसी के लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि पूरी रिक्रूटमेंट जो है इंडियन आर्मी के SSB के द्वारा लिया जा रहा है। एज लिमिट में देखेंगे तो एज की गणना आपका 1/10/2021 के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। एज जो है 2/10/1994 से लेके 1/10/2001 के बीच में होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो इस वैकेंसी में बहुत सारे पोस्ट हैं, उस सभी पोस्टों के लिए आपका बैचलर डिग्री अनिवार्य है जो रिलेटेड ट्रेड में हो, BE हो, BTEC हो या फिर ग्रेजुएशन हो, नए स्ट्रीम्स में वो पोस्ट के हिसाब से आपका रहेगा। साथ ही साथ अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके लिए भी एप्लीकेशन अप्लाई करने के हकदार हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ज्वाइनिंग से पहले रिजल्ट देना पड़ेगा। वैकेंसी डिटेल में देखते हैं तो टोटल 189 पोस्ट है। पोस्ट वाइज वैकेंसी देखते हैं तो 57 शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन के लिए 175 पोस्ट है, वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन के लिए 14 पोस्ट है। ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल इस प्रकार है, आप इसको चाहें तो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं यहां डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ट्रेनिंग डिटेल्स देखेंगे तो आपका सिलेक्शन होता है उसमें 2 कैटेगरीज हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में ऑफिसर्स एकेडमी में, जो कि 49 वीक्स का रहेगा। वहाँ पर आपकी सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग अगर कंप्लीट कर लेते हैं 49 वीक्स का, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। ट्रेनिंग के समय में आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो है 56,100 रुपये पर मंथ रहेगा। उसके बाद आपकी जिस भी फील्ड में जिस भी पोस्ट पर चयनित होते हैं उसके बाद तो आपको अलाउंसेस, मिलिट्री अलाउंसेस और परमानेंट जो भी अलाउंसेस हैं वे सभी मिलने लगेंगे। इंडियन आर्मी अपने ऑफिसर्स लोग को बहुत ही अच्छा पेमेंट देता है, तो इसमें नो डाउट कि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। अप्लाई कैसे करना है, सिंपल है फ्रेंड्स। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और अगर आपको SSB के लिए बुलाया जाता है तो सभी डॉक्यूमेंट्स और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ सत्यापित कॉपी के साथ में आपको दिए हुए सेंटर में दिए हुए डेट पर जाना रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर है तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर के द्वारा जितने भी एप्लीकेशन आए रहेंगे उसमें से आपका ग्रेजुएशन BE BTEC जो भी है उसमें प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसी के आधार पर आपको SSB के लिए बुलाए जाएंगे। और अगर आप उस मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं तो आपका कैंडिडेचर आपका वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको SSB के लिए बुलाया जाता है तो आपको ईमेल के थ्रू या मोबाइल नंबर जो आप दिए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में उसमें आपको अपडेट किया जाएगा।
साथ ही साथ आपको सेंटर और एसएसबी का कहाँ पर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं इसकी वरीयता दी जाएगी और आपको ये चूज़ करने का मौका मिलेगा। एक बार आपका एसएसबी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है तो एसएसबी इंटरव्यू फ्रेंड्स 5 दिन का होता है, जिसमें 2 स्टेज रहते हैं, स्टेज वन स्टेज टू। अगर आप स्टेज वन क्लियर कर लेते हैं तभी स्टेज टू में जाएंगे। अगर स्टेज वन आपसे क्लियर नहीं होता है तो आपको वहीं पर डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप स्टेज वन स्टेज टू दोनों क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि आर्मी के मापदंडों के अनुसार होगा। आप मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, अन्यथा आप अगर मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो आपको वहीं पर डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम आप जब भी एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे आपको शॉर्टेड रूट के अनुसार टीए प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा रहेगा। मेरिट लिस्ट का आधार जो है एसएसबी का इंटरव्यू है, इसीलिए फ्रेंड्स आप एसएसबी का इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिए अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इस पोस्ट को भर रहे हैं तो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो और आप लोगों का इस वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ हो। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।